गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। के घर पे पिछले आई थिंक 100 साल हो गए हैं, 100 ईयर से गणपति जी आते हैं। तो आई थिंक ये एक फेस्टिवल है जो हम लोग पूरी फैमिली जो है सबसे ज़्यादा यही एक फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट करते हैं। अश्मिता जी कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो, इस बार मुंबई का एनर्जी काफ़ी हाई है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। 2 साल के बाद क्या कहना चाहोगे? बस मुंबई और पूरी दुनिया से कोई बीमारी ना आए, कोई किसी को तकलीफ ना आए, पापा सबका ख्याल रखे। और मोदक बनाए रहेंगे आपने? मोदक क्या 5 बजे उठ के बहुत खाना बनाया आज। क्या डेकोरेशन है आज? कुछ डेकोरेशन हम आपको बुलाएंगे, आ जाइए खाना फिर कर। हम बोलते हैं कि विघ्नहर्ता हमेशा हर किसी का विघ्न लाइक दूर करते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे गणपति जी को, क्या कुछ प्रे किया? सबका विघ्न हर ले और सबका विघ्न दूर कर ले, सिर्फ हमारा नहीं सबका। साथ ही हर साल अलग अलग थीम आप रखते हैं, इस साल क्या थीम? बेबी गणपति। वाओ, एज वेल एज किस तरीके का इस बार का गणपति का रूप है, क्या कुछ कहना चाहोगे? बोल लिया मैंने बेबी गणपति। आपको कल इंतजार करिए, कल हम आरती कर रहे हैं घर पे और आप सब देख सकते हैं, कल पहले 9 बजे से हम लोग आरती कर रहे हैं। काफ़ी स्पेशल रहेगा कल हमारे लिए, काफ़ी धूमधाम से हम प्लान कर रहे हैं। गुरमीत, ऐसा कौन सा गणपति मतलब कि कौन सा गणपति आपको सबसे ज़्यादा याद रहता है? गणपति जी तो बचपन से हम मनाते रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में मुंबई में जिस तरीके से गणपति जी मनाया जाता है वो कमाल होता है। और जब से हमने घर पर गणपति जी की पूजा करने लगे हैं, आई थिंक वो साल हमारे लिए बहुत यादगार है और तब से आज तक हम लगातार करने की कोशिश करते और करते रहे हैं। शुगर फ्री लड्डू ऐसा सब हेल्दी। साथ ही साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि कितने दिन के लिए आपने 7 दिन तो मेरी बेटी के सारे फ्रेंड्स, पुराने स्कूल के हमारे दोस्त, सबको जो भी चाहने वाले हैं, ऑल द लव्ड वंस आर इनवाइटेड। हम हमेशा कहते हैं कि गणपति पापा जब भी आते हैं। आई नो बेबी, आई नो बट वी कांट स्टॉप देम ना। We are going in the car now. Vinod Kaka is just bringing the stool for this. We are going. Yeah. हम हमेशा कहते हैं कि गणपति पापा जब भी आते हैं सभी के विघ्न दूर करते हैं। इस साल क्या कुछ आपने मांगा है पापा से? Health and happiness. हर साल यही मांगते हैं, health and happiness.
स्पेशल है बिकॉज कोविड के बाद अब फाइनली बैंड बाजा के साथ में लेकर आए हैं, सो बहुत ज़्यादा स्पेशल है हमारे लिए और मेरे लिए कुछ ज़्यादा है क्योंकि मैं बहुत जल्दी से कुछ बड़ी न्यूज़ शेयर करने वाला हूँ आप सभी के साथ में। सो ऑफकोर्स कोविड के बाद और फिर सारी चीज़ें अभी खुल चुकी हैं तो मज़ा दुगना हो जाएगा और मुंबई सारा मुंबई जोश में है गणपति को लेकर और मैं भी हूँ क्योंकि मैं तो मुंबई से बिलोंग करता हूँ और जितना मैं बढ़ा रहा हूँ उतना ही हिसाब से वो आ रहे हैं मेरे साथ में। सो इट्स बीन लाइक 35 ईयर्स से वो मेरे साथ आ रहे हैं तो ऑफकोर्स मेरे लिए ये साल बहुत स्पेशल होने वाला है। मिस किया है। जब भी गणपति बापा घर आते हैं तो एक अलग सा माहौल होता है। बापा दो सालों से घर तो आ रहे थे पर वो माहौल वाली फीलिंग नहीं आ रही थी, पर फाइनली वी आर बैक विद अ बैंग। पर फिर भी सेफ रहिएगा और गणपति बापा मोरे। वो जब आप घर आएंगे तब बताऊंगी, इट्स अ सीक्रेट, मैं कभी रिवील नहीं करती कि मैंने क्या प्लान किया है क्योंकि हम बहुत प्लानिंग करते हैं गणपति बापा के आने की और हर साल कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। कौन सा साल है हमारा? 25th ना, दिस इज माय 25th ईयर ऑफ गणपति। 25th और 24th बहुत सारे लोग जो है वो उन्हें मिलने आएंगे। हम उनको हर रोज कुछ नया नया बनाकर उनको चढ़ाते हैं तो वो सब मम्मी करती है तो कुछ नया नया खिलाएंगे हमेशा की तरह। इस साल का रूप जो है वो आप जब देखोगे तब आपको पता चलेगा। आई डोंट वांट टू से एनीथिंग राइट नाउ बट बहुत ही क्यूट है इस बार के पापा, बहुत ही क्यूट। जितनी कमी थी वो पूरी हो जाने वाली है और दो साल जो हमने गणपति पापा को मिस किया वो इस साल टोटली फुलफिल कर लेंगे और धूमधाम से खूब मस्ती के साथ गणपति पापा को बुलाएंगे और ले जाएंगे। हर साल आप बोलते हैं कि पापा जब भी आते हैं हर कभी सभी के विघ्न दूर करते हैं। करेक्ट। वेल जो मांगा है वो तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मेरा ऐसा मन है अगर आप विश बता देते हो तो विश पूरी नहीं होती है। बट डेफिनेटली एक चीज़ तो मैं मांगना चाहूँगा जो मैं सबके लिए बताता हूँ कि जिस हिसाब से कोरोना गया है पिछले दो साल में, पापा से ये प्रार्थना है कि वैसा कोई भी टाइम वापस कभी ना लौटे। साथ ही साथ गणपति जब भी घर पे बताते हैं तो हमारे लिए सबसे एक्साइटिंग पार्ट होती है कुछ ना कुछ स्वीट। आपका कोई फेवरेट है? मोदक मुझे बड़ा पसंद है ऑब्वियसली। सो मोदक मतलब मैं वैसे तो बड़ा हेल्थ कॉन्शियस बंदा हूँ, स्वीट्स वगैरह खाता नहीं हूँ, बट व्हेन इट कम्स टू मोदक मैं मोदक खा लेता हूँ। साथ ही इस बार हम देख रहे हैं अनेरी जी, जी आइडल बहुत ही क्यूट है। उनका जो फेस है उन पे बाल बिल्कुल नहीं है, थोड़े टकलू टाइप के हैं गणु पापा और आप जब देखोगे तो बहुत क्यूटनेस दिखेगी और आई थिंक इट्स अ वेरी लाइवली आइडल। अर्जुन जी तो हर साल बहुत ही एक्साइटेड, आप बताइए आप कितने? मैं भी इक्वली एक्साइटेड हूँ, मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है। तैयारियाँ इस बार थोड़ी ज़्यादा मतलब अच्छे से कर रहे हैं बिकॉज मतलब मैं अपने नए घर में जा रहे हैं और बच्चा हमारे साथ ही साथ में जा रहा है, मतलब बड़ा जानते हैं पापा भी आ रहे हैं। ओके, लास्टली ये कहना चाहेंगे जैसे पापा आ रहे हैं, इनफैक्ट आ रहा है, शुरू भी कर रहे हैं, इसके बाद में क्या करना है अभी शो के बारे में एक्साइटमेंट है हर साल की तरह। एंड जैसे ही मैंने अभी कहा कि इतना अच्छा लगता है कि पापा हर साल हमारे घर पे आते हैं, विराजमान होते हैं
एंड इससे अच्छी फीलिंग नहीं हो सकती। पिछले दो साल थोड़ा सा पैंडेमिक के कारण थोड़ा सा हल्के हमारे प्रिपरेशंस थे, बट इस साल फुल फ्लैज फुल स्विंग में है एंड मैं चाहता हूँ बाप्पा ऐसे ही सबको आशीर्वाद दें, सब खुश रहें। यस बिल्कुल, क्योंकि हम मराठी हैं और महाराष्ट्र हैं तो घर पे बहुत अच्छे मोदक बनते हैं, सो मैं आप सब लोगों को मोदक ज़रूर खिलाऊंगा। एंड मैं अभी आप घर पे जाके सब बताऊंगा आपको, सब अभी मत पूछिए। यस ये इको फ्रेंडली है, ये मिट्टी के हैं, दिस इज़ नॉट POP, सो दैट जब हम इनका विसर्जन करेंगे, नमस्ते, जब हम इनका विसर्जन करेंगे तो बिल्कुल भी कुछ वो कहते हैं ना कि वेस्टेज नहीं होगा। क्या लोगों को क्या संदेश देना चाहूँगा भाई, मैं कोई होता नहीं हूँ संदेश वाला, आई जस्ट फील कि मैं बापा से हमेशा सिर्फ यही मांगता हूँ कि खुशियाँ दें सबको, बिकॉज मैं भगवान से कभी ये नहीं मांगता कि ये दो वो दो, क्योंकि आपका भगवान से इतना कमर्शियल अगर रिश्ता है तो फिर वो कुछ मतलब नहीं उस रिश्ते का। तो आई थिंक भगवान बस सबको खुशियाँ दें एंड पॉजिटिव एनर्जी दें, बस यही भगवान से। नमस्ते गणपति बाप्पा।